अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ ना मैं मम्मी का हेयर कलर करना है तो बस मैं उसी को मिला रही हूँ। तो ये एक गार्नियर का इंस्टेंट वाला हेयर कलर है जो कि बस 15 मिनट है ना बालों पे लगाना पड़ता है, उसके बाद हेयर को वॉश कर लेना होता है। तो बस इसी तरह ना डेवलपर में क्रीम जो होता है जितना दोनों को पूरा पूरा मिक्स कर लेना होता है, और ये जो मिक्सिंग होती है उसे बहुत ही अच्छे से करना होता है क्योंकि किसी भी ना हेयर कलर का मिक्सिंग बहुत ही मैटर करता है, तो उसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम दे के से अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद मैं मम्मी का कलर लगा दिया था लेकिन मना ही करती रहती हैं, लेकिन काफ़ी दिन हो गया था तो बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए थे और आज हम लोग को जाना है रिसेप्शन में भी, तो इसलिए बाल कलर कर दिया था। और उसके बाद 15 मिनट के बाद इसे वॉश कर लेना होता है। उसके बाद मैंने पूछा राहब से क्या पहन के जाओगी शाम में, तो बोली कोई कुर्ती नहीं है निकाल दे। तो मैंने बोला कुर्ती नहीं, कुछ अच्छा सा फैंसी पहन के जाना होगा। तो बस मैंने यहाँ 4-5 निकाल दिया जो भी इसका शरारा था, तो उसमें से खैर उसने एक निकाल लिया और बोला ये सब तो मैंने मुझे याद भी नहीं था। तो इसी तरह है, फैंसी ड्रेस बच्चे पहनने नहीं चाहते, बस खरीदा जाता है। उसके बाद यहाँ आयरन वगैरह मैं कर रही थी और आज मुझे माकूती बनाना था। कई दिनों से सोच रही थी क्योंकि दूध भी जमा हो गया था, तो रात में ही मैंने इसके डालने का मावा बना लिया था। तो मूंग दाल लिया है 1 कप और उसमें आधा कप अड़वा चावल। तो जितना भी आप मूंग दाल लेंगे ना उसका हाफ अड़वा चावल ही माकूटी में मिलता है। उसके बाद इसे कुकर में पानी डाल के बस पूरा गला लेना है उस, और गलने के बाद ही कुकर ठंडा हो गया था तो खोल के जो भी थोड़ा सा रहता है ना उसे इस तरह से मैश कर लेना होता है। तो ये थोड़ा दरदरा ही रहता है, बिल्कुल भी एकदम मैदा की तरह नहीं रहता। तो बस देखिए इस तरह का ये दरदरा रहता है। और यहाँ मैंने दूध 1.5 लीटर के लगभग बॉयल कर लिया था। कोई भी दूध आप ले सकते हैं, प्लेन या फिर अगर आपके पास वो है तो और अच्छा है फुल क्रीम। तो जब बॉयल हो जाएगा तो हमने जो पेस्ट बनाया है चावल दाल का वो इसमें ऐड कर देंगे और लगातार इस तरह से विसल से घुमाते जाएंगे ताकि ये दूध में अच्छे से मिल जाए, नहीं तो अगर हम इसे छोड़ देंगे तो वो गुठली बन जाएगा और फिर इसे मिक्स करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह लगातार आप 1 मिनट तक घुमाते जाएंगे ना इसमें, तो ये अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाएगा। और ये रात में मैंने इसे मावा बना लिया था। मावा क्या, ये राबड़ी है, इसे और भी सुखाते तो मावा बन जाता, लेकिन खैर मैंने इतना ही किया। और फिर हम इसे भी मिला लेंगे और इसमें जो जाएगा वो है चीनी। तो थोड़ा सा आप इसमें जो है ना केसर का दूध डाल सकते हैं या फिर फूड कलर, हल्का सा फूड कलर। तो मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है और चीनी भी ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा पतला हो जाता है दूध, तो बस इसको डालना होता है थोड़ा सा। और इसे मैं हाई फ्लेम पे, अगर आप हैं तो इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएं, लेकिन फिर आप इसे अगर छोड़ देंगे तो फिर इसे लो फ्लेम कर दीजिएगा, लगातार इसे चलाओ। और ये देखिए इस तरह से गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ा सा आप अगर आप कस्टर्ड पाउडर डालना चाहें तो भी बहुत अच्छा बनता है ये, लेकिन मैं मिस कर गई थी कस्टर्ड पाउडर डालना। इसके बाद मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टी ये बिहारी स्पेशल है माकूती, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस मावा नहीं हो तो आप दूध गाढ़ा करके या मिल्क पाउडर या मिल्क मेड कुछ भी डाल देते हैं, ये वैसे भी सिंपल भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो खैर शाम हो गया था तो यहाँ मैं बस हयान को तैयार कर रही थी, उसके बाद हम लोग सब लोग तैयार हो गए थे और बस इसी तरह से गाड़ी का वेट हो रहा था। तो खैर यहाँ मम्मी भी तैयार होकर बैठ गई थी। मम्मी तो मना कर रही थी लेकिन घर में कोई रहता नहीं तो फिर किसके साथ मम्मी रहती, तो फिर गई तो अच्छा ही लगा, दिल लग गया, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं हॉल में, तो यहीं रिसेप्शन है और काफ़ी खूबसूरत ये हॉल है। और हम लोग को लग रहा था कि हम लोग लेट हो गए लेकिन लेट नहीं हुए थे, हम लोग से भी बहुत लेट सब लोग आ रहे थे।
ननिहाल के रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे मिलने से दिली खुशी होती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।